इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको LFT कह सकते हैं, ठीक है। यह आपकी यूनिट नंबर सेकंड में है, दिया हुआ एक टॉपिक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लिगेंड फील्ड थ्योरी। अब इसके नाम से बहुत सारी बातें समझ में आ रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, लिगेंड की बात हो रही है, ठीक है ना। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि लिगेंड क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे, बाद में बात करते हैं। पहले चलते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ कि आखिरकार ये है क्या। तो यदि हमने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ ग्रिफिथ और ऑर्गल ने क्या किया, बीथे एवं वेन ब्लेक का कौन सा सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को आधार मानकर, किसको, ठीक है, बीथे एवं वेन ब्लेक के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को आधार मानकर किसने, ग्रिफिथ और ऑर्गल ने एक नए सिद्धांत को विकसित किया, को आधार मानकर क्या कह सकते हैं, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत को विकसित किया। तो आप लोग यहां पर क्या कह सकते हो कि ग्रिफिथ और ऑर्गल ने बीथे एवं वेन ब्लेक के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आधार मानकर, उसको बेस मानकर, उन्होंने किसको विकसित किया, लिगेंड फील्ड थ्योरी को उन्होंने डेवलप कर दिया। मतलब लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया, तो आप कह सकते हो ग्रिफिथ और ऑर्गल ने इस सिद्धांत को दिया, क्लियर है। तो ग्रिफिथ और ऑर्गल ने सिद्धांत को, इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया। अब इस थ्योरी के मुख्य बातें क्या हैं, उनको पॉइंट्स के फॉर्म में हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ में नोट करते चलिए कि इस थ्योरी की प्रमुख बातें क्या है, यानी ग्रिफिथ और ऑर्गल ने प्रमुख बातें या जो उसके पोस्टुलेट्स हैं वो क्या क्या है। यानी हम कहें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। तो यहां पर कहेंगे हम, पहला पॉइंट आप नोट करिएगा, क्रिस्टल लिगेंड फील्ड सिद्धांत के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू लिगेंड फील्ड थ्योरी, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यह है कि लिगेंड के कक्षक, नोट कर लो उसको, लिगेंड के कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु या आयनों के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु या आयनों के साथ अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। यानी हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन किसका होगा, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड का कॉम्बिनेशन होगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से किसके कारण कॉम्बिनेशन होगा, तो अभी हमने कहा ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन के कारण किसका फॉर्मेशन होगा, तो आणविक कक्षक का यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो किसके द्वारा, तो के सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड की क्या होगी, अतिव्यापन होगा यानी कि ओवरलैपिंग होगा और आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को नोट डाउन कर लो, लिखना आणविक कक्षक यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, आणविक कक्षक बंदी यानी कि बॉन्डिंग, आगे प्रतिबंधी यानी कि एंटीबॉन्डिंग और
अबंदी यानी कि नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग लक्षण रखते हैं, नॉन बॉन्डिंग लक्षण रखते हैं। इट्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग्स। यानी आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठीक है ना। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तीन प्रकार के हो जाएंगे, एक तो बंदी यानी बॉन्डिंग, दूसरे एंटी बॉन्डिंग यानी प्रतिबंधी, और अगला अबंदी यानी कि नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है, प्रतिबंधी प्रतिबंधी या विपरीत बंदी, जिसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, प्रतिबंधी या विपरीत बंदी, आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, मोर एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। खास बात क्या है वो एक लाइन और नोट कर लो। इसमें खास बात ये, यह निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व, यह निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व रखता है। इट्स शो निम्न इलेक्ट्रॉन घनत्व रखता है, इट्स शो लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। चौथा पॉइंट, आपने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा था तो हमने वहां पर बताया था कि एक तो T2G होता है और एक EG होता है, ये पढ़ा हुआ है ना। तो इसके बारे में एक लाइन लिखना है, लिखना विपरीत बंदी कक्षक, विपरीत बंदी कक्षक अर्थात एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, में T2G कक्षकों में T2G कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण होकर उत्तेजित होकर प्रवेश करते हैं, उत्तेजित होकर प्रवेश करते हैं। बात करते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, यानी अष्टफल के संकुलों की। देख पॉइंट नोट करना, इसमें अष्टफल के संकुलों में, अष्टफल के संकुलों में DXY, DYZ, DZX कक्षक, यानी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स DXY, DYZ, DZX ऑर्बिटल जो होंगे वो अबंदी कक्षक होते हैं, अबंदी कक्षक होते हैं, यानी कि इट इज अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन से? DXY, DYZ और DZX। चौथा पॉइंट नोट करना, सिक्स पॉइंट, आणविक कक्षकों की संख्या, आणविक कक्षकों की संख्या अतिव्यापन करने वाले, आणविक कक्षकों की संख्या अतिव्यापन करने वाले परमाणविक कक्षकों के बराबर होती है, आणविक कक्षकों की संख्या अतिव्यापन करने वाले परमाणविक कक्षकों के बराबर होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 लिखना, इसमें यहां लिखना, यहां केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन, यहां केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन किसकी तरह व्यवहार करता है?
तो सेंट्रल मेटल आयन लुईस अम्ल, लुईस एसिड, लुईस अम्ल की तरह माना जाता है, लुईस अम्ल की तरह माना जाता है, और यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, और यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? तो सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। एट द पॉइंट नोट करो, लिगेंड, एट द पॉइंट है, लिगेंड लुईस क्षार की तरह, लिगेंड लुईस क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, और यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करता है, इट्स अ डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, यह एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को दान करता है। अगला नियम, नेक्स्ट लेना, नियम नंबर 9। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, लिखो इसमें कि लुईस अम्ल व लुईस क्षार अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो हमने जितने पॉइंट लिखे इसके बेसिस पर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी में, यानी लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत में अष्टफलकीय संकुलों के बारे में, ऑक्ट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे हम लोग, कि आखिरकार ऑक्ट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स को हम इस थ्योरी के बेसिस पर कैसे समझ सकते हैं। देखो, जब हम ऑक्ट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बेसिस पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, यहां पर CrNH3+, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया और इसके बेसिस पर समझते हैं। क्या नाम है इसका? 6 दिया हुआ है, हेक्सा, NH3 को बोलते हैं एमीन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेडियां कितनी लिखी हुई है? 3, थर्ड आयन। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स में, यानी इस कॉम्प्लेक्स में, ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं? 6। तो इसमें आपको टोटल 6 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और एक इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु एक है। ठीक, और आपके पास में यहां पर ये दिखाई दे रहे हैं, लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यहां पर हल्की सी बात समझ में आ रही है। अब ये जो 6 लिगेंड है, इस केंद्रीय धातु परमाणु को यह एक्स, वाई और जेड तीन अक्षों से घेरे हुए रहते हैं। कैसे? देखते हैं, हमने लिखा है यहां पर सीआर, तो आप क्या लिखोगे? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन 6 ही साइड से ये NH3 इस क्रोमियम को घेर कर रखता है। क्लियर है? ये आपको समझ में आ रहा है तक?
मतलब कि इसके बीच में आठ फलक बन रहे हैं, इट इज ऑप्टेंड एट फेजेस, आठ फलक बन रहे हैं। आठ फलक कैसे, एक दो तीन, पीछे का चार, पांच, इधर का पांच, इधर का छह, इधर का सात, इधर का आठ, आठ फेज टोटल बन रहे हैं इसके अंदर, क्लियर है। इसलिए हमने इसको अष्टफलकी कह दिया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर टोटल लिगेंड की संख्या छह है, और यह हमने सपोज इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, सपोज इसको वाई मान लिया, और सपोज इसको जेड मान लिया। तो ये एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों से, तीनों एक्सिस से इस लिगेंड ने इस धातु को यानी सेंट्रल मेटल आयन को घेर के रखा हुआ है, क्लियर यहां तक। अब हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम 3D ब्लॉक का एलिमेंट यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन का एलिमेंट है। अब हम आगे चलते और समझते हैं, यदि हम कहें कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, अब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, क्लियर है, क्या लिखोगे 3d5। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3p के बाद में 3d5, ठीक है, 4s1, क्लियर, और 4p0, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रोमियम 3+ को, तीन प्लस का मतलब इसमें तीन इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो आप तीन इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, एक तो इसमें से निकाल दो और दो इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल दो, मतलब 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, आप 3। एस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, मतलब आपके पास अब तीन ऑर्बिटल दिखाई दे रहे लास्ट में, जिसमें दो तो पूरे खाली पड़े हुए हैं, क्लियर यहां तक। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो अब यहां पर क्या होता, अब यदि हम इनके परमाणविक कक्षकों की बात करें यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें कि कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक तो पार्टिसिपेट करने वाला है 4s, नोट करते चलो इसको आप लोग, ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस नोट कर लो। एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है 4s, आगे चलते हैं, उसके बाद कौन पार्टिसिपेट करेगा, 4px, 4py, 4pz पार्टिसिपेट करेगा, यहां तक क्लियर होगा वो। उसके बाद में फिर dx-y² और dz² का पार्टिसिपेशन हो जाता है, यानी आप यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। कितने ऑर्बिटल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर। अब डी कितने होते हैं, डी 5 होते हैं ना, कौन कौन सा बचा हुआ है, dxy dyz dzx, टोटल ऑर्बिटल गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 9 ऑर्बिटल में से खाली माली कहें तो सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, 6 का पार्टिसिपेशन होता है, यानी इन तीन का भागीदारी या पार्टिसिपेशन नहीं होता है, क्लियर। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, देखते हैं इसको भी हम लोग, ठीक है ना, इनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, और उसको हम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बाद में। इसका सिंबोलिज्म किया जाएगा, इसको संकेत के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो अभी हमने कहा कि टोटल 8 ऑर्बिटल में से कितने भाग ले रहे थे, 6, ठीक है, ऑर्बिटल नंबर कितने थे, टोटल 8 थे ना, एस पीएक्स पीवाई पीजेड dx²-y²dz², ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां पर हम नोटेशन देखेंगे, मतलब इनको किस तरीके से सिंबोलिज्म किया गया, किस तरीके से इनका सिंबल बताया गया। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिमेट्रिक सिंबल, परमाणु कक्षक आणविक कक्षक और सममितिक संकेत हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे
परमाणविक कक्षक यानी एटॉमिक कक्षक हमारा पहला क्या था? 4s, ठीक है ना। इस 4s को जब हम लिखेंगे तो यहां पर हम लोग समेशन a लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? समेशन a के फॉर्म में लिखेंगे। और हमने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी परमाणविक कक्षक जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे? आणविक कक्षक। परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है। तो अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल यानी जितने परमाणु कक्षक भाग लेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक बनेंगे। क्लियर है ना? ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब होता क्या है, इसमें हमने दो लिए तो डेफिनेटली दो बनेंगे, एक की एनर्जी कम एक की एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसको हमने नाम दे दिया था एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। जिसकी एनर्जी कम उसको नाम दे दिया था बॉन्डिंग। तो यहां पर एस एस ओवरलैपिंग, जब एस एस अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एस एस ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ी है, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आप यहां लिखोगे सिग्मा एस बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एस स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? और इसको सिंबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो इसको कहा जाएगा A1G। 4S को रिप्रेजेंट किया जाता है A1G, यानी इसको हम लिख सकते हैं A1G के फॉर्म में। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसको A1G, यहां पर क्या बना हुआ है? स्टार, तो यहां पर भी स्टार लग जाएगा। नोट कर लो इसको। अगला 4P टोटल कितने थे? तीन थे। px, py, pz थे क्या? बिल्कुल। तो 4px, 4py, 4pz। तो आप इसको यहां पर समेशन x, समेशन y और समेशन z के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखोगे? सिग्मा x बॉन्डिंग, सिग्मा x स्टार आ जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग का मतलब, ठीक है। आगे फिर यहां पर सिग्मा वाई बॉन्डिंग, सिग्मा वाई स्टार, सिग्मा जेड बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार जेड, मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब पहला तो हो गया था A1G, अब दूसरा क्या होगा उसके लिए चलते हैं। यहां पर P है तो P के लिए एक ही सिंबल आता है T1U, तो तीनों के लिए की सिंबल आ गया T1U। आगे क्या? T1U स्टार, T1U स्टार और T1U स्टार हो जाएगा। नोट कर लो इसको। तो हमारा S हो गया, PX, PY, PZ हो गया। अब D के पास चलते हैं। D कौन सा था? 3DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और 3Z स्क्वायर। इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यहां क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका है, ध्यान रखना। यहां एरो बना दिया मेरे को, समझ में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। इसको ऐसे कैसे लिखोगे आप? क्या सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रख। अगला सिग्मा जेड स्क्वायर, कॉमन लगा के सिग्मा स्टार जेड स्क्वायर। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोटेशन है। और यहां पर आखिरी में ई जी आ जाएगा और इसके आखिरी में EG स्टार आ जाएगा। मतलब ये पहले वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये सब बॉन्डिंग का है, ये इधर वाला बॉन्डिंग का, और ये स्टार लगे हुए मतलब ये एंटी बॉन्डिंग का। मतलब बॉन्डिंग का मतलब जिसकी ऊर्जा कम और एंटी बॉन्डिंग मतलब जिसकी ऊर्जा ज्यादा। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लो कि परमाणविक कक्षक, आणविक कक्षक और सिमेट्रिक सिंबल को किस तरीके से लिखा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। जो हमने लिखा था हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन के कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं हम लोग, और इसके मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते हैं।
तो अभी हमने एक एग्जाम्पल की बात करी थी, उस एग्जाम्पल को मैं वापस दोहरा रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। इधर मैं डायग्राम बनाऊँ, उससे पहले इधर को समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि सी आर एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस, इसके बारे में बात कर रहे थे है ना। अब हमने कहा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक। लास्ट कंडीशन बता रहा हूं मैं, 3D5 4S1 और 4P0। यदि आप क्रोमियम 3 प्लस कर देते हो मतलब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब इसमें से तीन माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन रहेगा। एटॉमिक नंबर 24 है पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से हटा दिया और दो यहां से हटाओगे तो आप यहां क्या लिखोगे, 3D3 4S0 4P0। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। यहां पर मैंने लिखा D कितने आपके पास में, टोटल 5 होते हैं, तो मैंने D इस तरीके से 5D बना दी, 1 2 3 4 5। क्लियर, ये 5D मैंने यहां पर बना दिए। S कितना होता है, एक ही होता है। P कितने होते हैं, तीन होते हैं, या बच्चे से जान लो। क्लियर। अब जो D है, पहला वाला है DXY, दूसरा DYZ, अगला DZX, ये वाला DX²-Y² और ये वाला DZ²। कोई डाउट नहीं, ये 4S, ये 4PX, ये 4PY और ये 4PZ। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने कहा D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, तो 1 2 3, यहां तक क्लियर हो गया मामला। अब एक अच्छी सी बात आपको याद है, मैंने पहले पढ़ा रखी है, ये जो लिगेंड है ना, छे, एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। क्यों करता है, उसकी तरफ आ जाता हूं मैं। हम लिखते हैं NH3, NH3 के पास में एक लोन पेयर होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा आपको, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, तो एक बार तो उसने यहां पर डोनेट कर दिया, तो एक NH3 का पार्टिसिपेशन तो यहां पर हो गया, दूसरे का यहां पर हो गया, आ रहा समझ में, तीसरे का पार्टिसिपेशन यहां पर हो गया, चौथा NH3 यहां पर आ गया, पांचवा यहां पर आ गया और छठा यहां पर आ गया। टोटल NH3 कितने, 6। मतलब कहां कहां पर उसका भागीदारी हुई, पार्टिसिपेशन हुआ। तो आप क्या कहोगे, सर दो तो डी है, एक एस है और तीन पी है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2SP3। ये चीज भी हमें क्लियर हो गई, क्लियर। अब हम यहां से चलते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर करवा देता हूं यहां पर, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी हमने जो नोटेशन किया, उस नोटेशन को एक बार बता देता हूं। हमने 4s को रिप्रेजेंट किया, अभी आप लोगों को याद है, A1G से, क्लियर। 4px, 4py और 4pz को रिप्रेजेंट किया T1U से, क्लियर है। और इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट किया EG से, और ध्यान रखना इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है T2G से। ध्यान रखना DXY, DYZ और DZX को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, T2G से। और आप क्या कह सकते हो, क्या इन तीनों ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण में भाग लिया क्या, अभी नहीं लिया। तो किसने लिया, EG ने, A1G ने और T1U ने भाग लिया। मतलब इसी के आधार पर हम बनाते हैं हम यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे यहां पर मेटल ऑर्बिटल, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर में, और लास्ट में आ जाएगा लिगेंड ऑर्बिटल। इस तरीके से हम तीनों प्रकार के ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या था, उसकी तरफ मैं चलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब चलते मेटल की तरफ। T1U आपके पास कितने थे, देखो गौर करना इधर, T1U कितने हैं मेटल ऑर्बिटल, 1 2 3। T1U आपके पास कितने हैं,
तीन है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, मैंने तीन लाइन खींच दी, मतलब मेरे लिए ये हो गया टी वन यू। क्लियर? आगे इसके नीचे मैंने बता दिया ए वन जी, ए वन जी मतलब कि ए की, तो एक लाइन खींच दी। ठीक, अब ईजी और टी टू जी मिलाकर कितने, पांच, तो मैंने यहां पर एक दो तीन चार पांच लाइन खींच दी, तो ईजी भी हो गया और टी टू जी भी हो गया, कोई डाउट नहीं आ तक तो मुझे लगता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब होगा क्या, यहां पर एक दो तीन चार पांच छ, इधर देखना कहां का पार्टिसिपेशन हुआ, एक दो तीन चार पांच छ, मैंने छह लाइन खींच दी, एक लाइन टी वन यू की, तीन लाइन है, तो एक लाइन ए वन जी की और दो लाइन ई जी की। आ रहा समझ में अच्छे से? अब इसको बनाते कैसे, उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये टी वन यू है, ये टी वन यू यहां पर मॉलिक्यूलर मतलब इसके और इसके जुड़ने से ये बन रहा है, याद रखना। मेटल ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल मतलब कि क्रोमियम, और लिगेंड ऑर्बिटल मतलब NH3, इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो क्या पूरा बन जाएगा ना। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा कि इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इन तीनों को हम क्या करते हैं, यहां से जोड़ देते हैं, मतलब इनमें ओवरलैपिंग होगी। अब जब इनमें ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, देखो गौर करना, यहां से जब ओवरलैपिंग होगी, यहां से टी वन यू यहां पहुंचा और यहां से यहां पहुंचा, तो तीन ऑर्बिटल हमने ऐसे कैसे बना दिए। हमने जब उसको डिफरेंशिएट किया था, आपको याद हो तो हमने लिखा था टी वन यू एक टी वन यू स्टार। ठीक, तो इनकी इसकी ऊर्जा से ज्यादा है क्या, ये यहां बैठो इससे ज्यादा है ना, तो क्या लिखोगे टी वन यू स्टार, ज्यादा है ना। ठीक, आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर ला रहा हूं मैं, दूसरे नंबर पर आएगा ए वन जी, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, क्या लिख दूं ए वन जी, इसकी एनर्जी से ज्यादा है, इस पे भी क्या लगेगा स्टार, मतलब ये यहां पर आ जाएगा, जोड़ दिया। अगला ईजी, पहले ईजी को आ रहा हूं, यहां आ रहा हूं मैं। ठीक है, ईजी कितनी लाइन खींचू, ईजी के लिए दो लाइन, इस पे भी क्या लगेगा स्टार, क्योंकि इन तीनों की ऊर्जा से इनकी ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है ना। यहां तक क्लियर मामला? अब इसके बराबर मैं खींच देता हूं तीन लाइन टी वन जी की, टी वन जी लिखे ना, सॉरी टी टू जी की, टी टू जी तीनों है ना, एक दो तीन, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण में भाग नहीं लिया, तो इनके बराबर लिख दी, तो नॉन बॉन्डिंग अबंधी, जिन्होंने बंद नहीं बनाया, तो इस पे स्टार नहीं आएगा, तो इसकी एनर्जी इसके बराबर होगी। क्लियर? आ रहा समझ में? आगे चलते हैं, अब नीचे की तरफ चलना चालू करता हूं, यहां से मैं आता हूं, दो लाइन की चुहा में ईजी की, इससे एनर्जी कम है, अब इस पे स्टार नहीं लगेगा, तो यहां से भी ईजी आए, यहां से भी ईजी आए, आपस में बन गया। ठीक, फिर आगे चल रहा हूं, फिर यहां पर टी वन यू आ जाता है, टी वन यू की कितनी लाइन है, तीन, तो ये टी वन यू यहां से आ गया, और सबसे आखिरी में एक ही बचा है अब ए वन जी, तो ये ए वन जी यहां आ गया, इस पे भी स्टार नहीं लगाया। क्लियर है? तो इस प्रकार से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन आप देख सकते हो, मेरे को लगता है जहां तक आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़े अच्छे समझ में आए। तो ये किसके बेसिस पर है, ये लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर, जब मेटल ऑर्बिटल, हिंदी में बोल देता हूं मैं, धातु कक्षक और लिगेंड ऑर्बिटल यानी लिगेंड कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और यहां पर इन तीनों ने भाग नहीं लिया टी टू जी ने, तो यहां पर भी ये पार्टिसिपेट
नहीं करेगा। इस तरीके से आपका ये लिगेंड फील्ड थ्योरी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी को हमने समझा यहां पर CRNS363+ के बेसिस पर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, क्लियर है। कोई डाउट हो तो बता देना, कि कोई समझ में नहीं आए वो चीज तो कि किस तरीके से समझ में आए। तो ये तो था हमारा क्लास लेक्चर, साथ में YouTube पे भी रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका केमिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट है, उन तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी लिगेंड फील्ड थ्योरी समझ में आसानी से आ जाए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।